शमुएल की पुस्तक बहुत खास है, दैट शोज गॉड्स लव एंड गॉड्स केयर एंड गॉड्स प्रेजेंस विद पीपल। आइए हम 12 अध्याय पढ़ेंगे। शमुएल को संदेश मिल रहा है यहोवा की ओर से। हमने अब तक जो है 11 अध्याय कंप्लीट किए हैं और 11 अध्याय के बाद आज 12 अध्याय में देखेंगे शमुएल को संदेश मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। क्या है संदेश? 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब शमुएल ने सारे इसराइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने, उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसी का गधा लिया, या किसी पर अंधेर किया, या किसी को पीसा, या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना पीसा, ना किसी के हाथ से कुछ लिया। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। आगे देखिए 6 पद में, यहाँ तक शमुएल की टेस्टिमनी क्लियर हो गई, टेस्टिमनी अमॉन्ग दी पीपल, जहाँ वो था, जिनके बीच में वो था, जैसा वो काम करता था। वर्स 6 में लिखा है, शमुएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों के मिस्र देश से निकल आया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किए हैं तुम्हारे साथ विचार करूँगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उससे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तरोत देवियों की उपासना करके महापाप किया है, परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरुबाबिल, बदान, यिप्तह और शमुएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। पूरी कहानी सुना दी गई कि उन्होंने अब तक ये कहानी कैसे किया। सब बातें परमेश्वर उनके सामने खोल खोल कर रख रहा है। यू नो, समवन इज गिविंग द हिस्ट्री एंड रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस, इतिहास और जो कारण हो रहा है और उसका परिणाम। अगर कोई ये सारी बातें रख दे और उसके बावजूद अगर किसी को समझ में ना आए तो ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात होगी। और इज़राइल तो ये बार बार करता रहा। 13 वचन में लिखा है, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा का एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। देखो यहोवा ने तुम्हारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दिया है। और उसके बाद यहाँ आगे लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बातें सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला ही होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा के हाथ जैसे तुम्हारे पुरखों के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जैसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमुएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमुएल से अत्यंत डर गए। गलती करेंगे तो डर तो लगेगा ही, अगर आप गलती नहीं करोगे तो डर क्यों लगेगा? बिकॉज दैट इज़ द सीरियस थिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। न्यू टेस्टमेंट में पहले साफ शब्दों में लिखा है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ता है। इज़राइली भी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ गए शुरुआत से। यह मनुष्य का स्वभाव ही हो गया है।
हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अगर ऐसा ना करेंगे तो अपने जीवन में कुछ भली बातों को पाएंगे। आओ हम ऐसा ना करें। 19 पद से लिखा है, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। नाउ दे कन्फेस इट, राइट। अब वो इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हमने गलती की है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ अव्यस्थाओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। सीधे शब्दों में उसने समझा भी दिया, अभी तो ये वो कह रहे हैं कि तू प्रार्थना कर। इसने पहले ही बिना यहोवा से प्रार्थना किए उन्हें शांति और सांत्वना दी, बिकॉज ही वॉज गुड लीडर, ही वॉज द वन जिसे परमेश्वर ने चुना था, वो परमेश्वर को जानता था, और इसीलिए उसने कहा, डरो मत, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है, अभी डरो मत। अगर तुमने ये बात नहीं मानी, उसने उन्हें सांत्वना ही नहीं दी परंतु उन्हें रास्ता भी बताया और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए। मतलब रास्ता बताया, समस्या भी बताई, समस्या का हल भी बताया, और समस्या को अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके साथ क्या होगा वो भी बता दिया। लेकिन फिर भी इजरायली काम मानने वाले हैं, देखेंगे हम आगे क्या होता है। फिर इसके बाद इस प्रकार से लिखा है 22 पद में, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा और अपनी प्रजा बनाया है। फिर वह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों ही मिट जाएंगे। और यही कारण था कि हमेशा समस्याएं खड़ी हुई उनके लिए, बिकॉज दे वर नॉट लिसनिंग, वो सुन नहीं रहे थे। तो प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो, दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको सुनना और समझना चाहिए, बदलना चाहिए। आओ यहोवा की आज्ञा माने, उससे बेहतर और उत्तम कुछ नहीं है। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन में कार्य करे। आमेन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की।